खबर है कि सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक यानी पीएसबी का रीकैपिटलाइजेशन करेगी और इसके लिए सरकार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 5,500 करोड़ रुपए के जीरो कूपन बॉन्ड इशू करेगी। कुछ एक्सपर्ट्स इसे मास्टर स्ट्रोक तो कुछ मरीचिका बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम पैदा किया गया है? इसके जवाब में आप कोई राय बनाएं। इसके लिए खबर से जुड़े कुछ टर्म्स जैसे रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, जीरो कूपन, इन शब्दों को हम आपको बता देते हैं आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले समझिए डिबेंचर और बॉन्ड। जब किसी कंपनी को किसी भी कारण से पैसों की दरकार होती है तो वो कई तरीकों से पैसा जुटा सकती है, जैसे कंपनी की कुछ हिस्सेदारी कुछ बाहरी लोगों को बेचकर, बैंक से उधार लेकर वगैरह वगैरह। इन्हीं पैसा इकट्ठा करने वाले विकल्पों में से एक होता है आम जनता से उधार लेना। अब अगर कंपनियां लोगों से उधार लेकर पैसा जुटा रही हैं तो कहते हैं कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू किए हैं। डिबेंचर डेट या ऋण शब्द से बना है। डिबेंचर और बॉन्ड करीब करीब एक ही चीज़ है। इन्हें इशू करने वाली कंपनी दरअसल आपसे उधार लेती है, बस बॉन्ड में कुछ कोलेट्रल होता है यानी कोई गारंटी होती है, कुछ गिरवी रखा गया होता है, लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं होता। केवल छोटी छोटी कंपनियां ही नहीं, सरकार भी लोगों से उधार लेती है और बॉन्ड इशू करती है। राज्य सरकार हो या केंद्र, वो आरबीआई के माध्यम से अपने बॉन्ड इशू कर सकती है। इन्हें सरकारी बॉन्ड कहा जाता है या जीसेक यानी गवर्नमेंट सेक्टर के बॉन्ड कहा जाता है और उनके प्रथम खरीदार बैंक्स ही होते हैं। बैंक इन सरकारी बॉन्ड्स को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बैंक को अपने NDTL का 4% RBI में जमा करना होता है और 21.25% को कहीं और सुरक्षित करके रखना होता है। NDTL का मतलब आप समझे, NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, यानी आम जनता का जो पैसा सेविंग्स या डिपॉजिट्स के नाम पर बैंक में पड़ा है उसको कहते हैं NDTL। तो इस पैसे का 4% RBI में जमा करना होता है बैंक्स को और 21.25% को कहीं और सुरक्षित करके रखना होगा। अब आप पूछेंगे कि बैंक से ज़्यादा सुरक्षित क्या होगा, तो सरकारी बॉन्ड या सोना ऐसी सुरक्षित जगह माना जाता है। अब आम आदमी या बैंक डिबेंचर या बॉन्ड ले रहे हैं तो इसके बदले उन्हें क्या मिलता है? उन्हें वो सभी फायदे मिलते हैं जो उधार देने वाले को मिलते हैं, जैसे पैसे तय समय पर बढ़कर मिलना या उन पर तय समय पर ब्याज मिलना। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कूपन बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। दोनों को उदाहरण से समझते हैं। समझिए आपने 20 साल का कूपन बॉन्ड खरीदा 20,000 रुपये का। अब आपको इसके एवज में जो लीगल पेपर दिया गया उसमें नीचे 20 कूपन चिपके होंगे जिन्हें फाड़ के अलग अलग किया जा सकता है। हर कूपन में कोई राशि या प्रतिशत लिखा होगा। अब मान लीजिए हमारे कूपन में 5% या 1,000 रुपये लिखा है, तो इसका मतलब ये कि आप इन कूपन्स को फाड़कर जिस दिन बॉन्ड इशू करने वाले को देंगे वो आपके 1,000 रुपये देगा। लेकिन इन कूपन्स में अलग अलग तारीखें भी लिखी होंगी, पहली तारीख और दूसरी तारीख में 1 साल का अंतर होगा और आप इन कूपन्स को उसी तारीख को या उसके बाद कभी भी भुना सकते हैं जो तारीख कूपन में मेंशन है। सारे 20 कूपन फाड़कर भुला लेने के बाद भी आपके पास बॉन्ड पेपर बचा रह जाता है। आप इसे भी 20 साल बाद या उससे पहले नहीं 20 साल बाद आप इसे 20,000 रुपये में बुना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कूपन्स दरअसल ब्याज की हार्ड कॉपी हैं जिन्हें आप तय समय पर दे देकर भुना सकते हैं और आपका बॉन्ड तो है ही जिसे आप पूरा भुना सकते हैं उसकी मैच्योरिटी के बाद। अब हम आते हैं जीरो कूपन बॉन्ड पर। जीरो कूपन बॉन्ड में एक भी कूपन नहीं चिपका होता, अपने बिल्कुल नाम की तरह। इसे ऐसे समझिए, माना आपने 20,000 रुपये का एक जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा है तो जब आप इसको भुनाएंगे तो आपको 20,000 रुपये ही मिलेंगे, ज़्यादा या कम नहीं। यानी जैसा आपने अनुमान लगाया था कि 20,000 में कुछ पैसे जोड़कर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दरअसल जीरो कूपन बॉन्ड हो या कूपन वाले बॉन्ड, वो नोटों की तरह ही होते हैं, यानी उनमें जो वैल्यू लिखी होती है उसकी सदा वही वैल्यू रहती है। तो जब सरकार या कोई भी इशू करने वाला संस्थान ये इशू करता है तो डिस्काउंट पर इशू होता है। जैसे हमने 20,000 वाले उदाहरण से कूपन बॉन्ड को समझा, वैसे 20,000 वाले उदाहरण से ही जीरो कूपन बॉन्ड को भी समझने की कोशिश करते हैं।
तो इसे शुरुआत में इशू करने वाला संस्थान शायद 18,000 रुपए में बेचेगा, लेकिन मैच्योर हो जाने के बाद अगर आप इसे भुनाने जाएंगे तो आपको इसमें लिखी राशि यानी 20,000 रुपए ही मिलेगी। तो बेसिकली आपको जो फायदा मिलता है वो ब्याज के फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि उस डिस्काउंट के फॉर्म में मिलता है। अब जीरो कूपन बॉन्ड हो या कूपन बॉन्ड, दोनों में ही इस तरह की व्यवस्था होती है कि आपको जितने पैसे इसको भुनाने पर मिलेंगे वो इनके पेपर्स में साफ साफ लिखा रहता है, और ये भी कि ये पैसे कब मिलेंगे। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप इनके मैच्योर होने का इंतज़ार किए बिना ही इन्हें किसी दूसरे को भी बेच सकते हैं या किसी दूसरे से भी खरीद सकते हैं। अब हम आ चुके हैं रीकैपिटलाइजेशन पर। देखिए, अगर किसी बैंक को उबारने के लिए सरकार अपनी जेब से पैसे देगी तो इसका मतलब यही हुआ कि वो खर्च कर रही है, और खर्च कर रही है मतलब कर्ज, या सरकारी भाषा में कहें कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रही है। तो इसी से बचने का विकल्प है रीकैपिटलाइजेशन, और इस विकल्प के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं रीकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। सरकार ने आरबीआई के माध्यम से मान लीजिए 100 रुपए के बॉन्ड इशू किए। ऐसे बॉन्ड जिन्हें हर कोई नहीं खरीद सकता, सिर्फ बैंक, और वो भी सिर्फ वही बैंक जिसको उबारने का सरकार का उद्देश्य है। तो इन बॉन्ड को इशू करने के साथ साथ सरकार ने 100 रुपए उस बैंक को भी दे दिए जिसे संकट से उबारना है। अब उस बैंक के पास जो एक्स्ट्रा 100 रुपए आए हैं उनसे वो सरकार द्वारा इशू किए गए बॉन्ड खरीद लेगी। ये बॉन्ड बैंक के लिए एक तरह का 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी बैलेंस शीट मजबूत हुई यानी बैंक मजबूत हुआ। दूसरी तरफ सरकार ने जो पैसे बैंक को मदद के वास्ते दिए थे वो उसके पास कैश के रूप में तो वापस आ ही गए, यानी उसके चालू खाते में कोई डेफिसिट नहीं हुआ। इसी तरह के बॉन्ड को रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, और इस प्रोसेस को रिकैपिटलाइजेशन कहा जाता है। अब सोचिए, जो बॉन्ड अब भी बैंक के पास पड़े हैं उसे वो कभी भी सरकार को वापस करके इनकैश करवा सकती है? लेकिन नहीं, आपको गलत लग रहा है। इन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स को सरकार अतीत में भी इशू करती आई है, लेकिन अब की बात, ये 5,500 करोड़ के बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड होने के साथ साथ एट पार भी हैं। एट पार बोले तो इनको आरबीआई ने उसी रेट पर पंजाब एंड सिंध बैंक को बेचा है जो रेट इन बॉन्ड में मेंशन है। मतलब जैसा आमतौर पर जीरो कूपन बॉन्ड के साथ होता है कि उन्हें इशू करने वाला कुछ डिस्काउंट देता है ताकि बाद में जब ये अपनी फेस वैल्यू पर कैश किए जाएं तो इन्वेस्टमेंट करने वाले को प्रॉफिट हो। लेकिन इस केस में पंजाब एंड सिंध बैंक को इसे खरीदने के लिए 5,500 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे, और जब ये मैच्योर होंगे तो उसे 5,500 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। दूसरी बात, ये बॉन्ड ट्रेडेबल नहीं है, मतलब इन्हें किसी और को नहीं बेचा जा सकता और ना ही किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब आज ये आरबीआई से पीएसबी के पास गए, मैच्योरिटी पर ये पीएसबी से आरबीआई के पास वापस चले जाएंगे, बस इनकी इतनी ही यात्रा रहेगी। ऐसे बॉन्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट एचटीएम यानी होल्ड टिल मैच्योरिटी बॉन्ड कहलाते हैं। आमतौर पर जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी अधिकतम एक वर्ष होती है, लेकिन पीएसबी बैंक को इशू किए गए कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी 10-15 साल बताई जा रही है। तो जितना हमें समझ में आता है, इन जीरो कूपन बॉन्ड्स को भविष्य में दी जाने वाली 5,500 करोड़ की वित्तीय सहायता कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि सरकार ने लिखित में प्रॉमिस किया है कि पंजाब एंड सिंध बैंक को 10-15 साल बाद 5,500 करोड़ रुपए देगी, और इस प्रॉमिस को पंजाब एंड सिंध बैंक लेनदारी वाले मद में लिखकर अपना कैपिटल बढ़ा सकता है। अब हमारे साथ ही दर्पण जी की माने तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये एक तरीके से अनहोनी को टालना लगता है। मतलब आज नहीं तो कल 10-15 साल बाद सरकार को बॉन्ड के बदले पैसे देने ही पड़ेंगे बैंक को। क्या ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य द्वारा कही उस बात की पुष्टि नहीं करता कि सरकार आर्थिक मामलों में 2020 खेलती है क्योंकि उसका कार्यकाल 5 साल का होता है? यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि वर्तमान सरकार ने 10-15 साल बाद आने वाली सरकार के खजाने में से 5,500 करोड़ रुपए पहले ही माइनस कर लिए। तो गौर से देखने पर यह समझ में आता है कि इस प्रक्रिया से सरकार का फिस्कल डेफिसिट आज नहीं तो 10-15 साल बाद, जो भी इस जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट है, उस वक्त बढ़ेगा। अब वो इंटरेस्टिंग पॉइंट भी समझ लीजिए जिसके आधार पर इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। वो ये कि आरबीआई जिन बॉन्ड को पीएसबी को 5,500 करोड़ रुपए में बेच रही है उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 2,750 करोड़ रुपए है।
लेकिन चूंकि ये HTM बॉन्ड है इसलिए इन्हें RBI को ही वापस करना पड़ेगा, और तब RBI इसके बदले बैंक को 5500 करोड़ रुपए ही देगी। लेकिन अगर RBI इनको फिर से मार्केट में लाएगी तो तब उसे सिर्फ 2750 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई दो लोग जुआ खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गेम के लिए जेब में पड़े 1-1 रुपए के सिक्कों को 100-100 रुपए मान लेते हैं। तो जैसे ही ये गेम खत्म हो जाएगा, 1 रुपया मार्केट में 1 रुपए की कीमत पर ही बिकेगा, लेकिन गेम के दौरान इसने 100 रुपए का काम सफलतापूर्वक निभाया है। इसीलिए ही कहा जा रहा है कि सरकार 100 रुपए से 200 रुपए का काम कर रही है। लेकिन पूरी बात पर दरअसल गौर करें तो सरकार 200 रुपए में 200 रुपए का ही काम कर रही है, बस 100 रुपए अभी खर्च रही है और 100 रुपए 10-15 साल बाद, मतलब तब जब 1-1 रुपए वाला ये गेम खत्म हो जाएगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि सरकार ने ये रिकैपिटलाइजेशन किया क्यों। दरअसल पब्लिक सेक्टर्स के सभी बैंक्स की हालत कमोबेश एक सी चल रही है, यानी पतली खस्ता। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सभी बैंक से कैपिटल रेज पर बल देने के लिए कहते आ रहे हैं। COVID-19 के चलते स्थितियां ज्यादा ना बिगड़ जाएं, सो सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और सरकार दोनों ही पहले से मजीद सुपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ महीनों में SBI, कैनरा बैंक, PNB करीब 40,000 करोड़ का कैपिटल रेज कर चुके हैं। 2019-20 के दौरान सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की थी। तो इसी क्रम में पंजाब एंड सिंध बैंक का भी रिकैपिटलाइजेशन किया गया, जिससे बैंक का कैपिटल भी बढ़े और सरकार का फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी कम ना हो। मतलब हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखा हो जाए। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।